that word? कैसे लगे सानू ये? मेल आया था। ये मम्मा और दादी लेके आई हैं? इनका मेल आया था। अभी लाए ना। और दिखाओ क्या क्या लाए हो, क्या क्या लाए हैं दादी और मम्मा? सारा सामान दादी को दिखाओ, निकाल निकाल के। चलो दिखाओ। गणपति बापा है ये? दिखाओ दादी को, दिखाओ। आपको पसंद नहीं आया क्या? ये वाटर बोतल है देखो। सुनो इसमें क्या डाल के ले जाओगे, क्या क्या लेके जाओगे? पानी नहीं, इसमें टिफिन में क्या लेके जाओगे? रोटी सब्जी। और कौन सी सब्जी? पालक की। पालक की, अच्छा ठीक है। चम्मच नहीं निकली इसमें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी चलो एक और नई वीडियो शुरू कर लेते हैं। साहब न्यूज़ सुना रहे हैं पेपर में से पढ़ पढ़ के। क्या क्या होगा आज? राम राम सभी को। कहाँ जा रहे हो? चलो हाँ हो गई। राम राम, दादू को बाय करो। बाय। बाय दादू, ऐसे बोलो। बाय दादू। चलो फोन में लग रहे हैं दादू। टांगना मम्मा, क्या कर रहे हो? सानू बल साइड में कर रहा है। चलो सुंदरी आंटी को बाय बोलो। बाय। सिनोए चल पड़ा है स्कूल, सिनोए का फर्स्ट डे। ओ बाय, दादी की उंगली पकड़ ली। बाय। मम्मा काम करिए, चलो दादी की पकड़ लो। सिनोए की छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, आ जाओ घर जाएंगे। अभी कल फिर आएंगे, कल टाइम से आएंगे। चलो चलो अभी घर चलते हैं। अभी अभी यहीं नहीं रहना, देखो दीदी भी आ गई, छुट्टी हो गई अब तो सबकी। अब घर चलेंगे, कल आएंगे। शाबाश, किसी बुखार चढ़ गया जी, तो अभी मेरी जिम्मेवारी है डिनर बनाने की। ये मैंने तेल चढ़ा दिया है सरसों का, और यहाँ पे मैंने 2-3 लहसुन की कली और एक हरी मिर्ची रगड़ ली है कुंडी छोटे से, और एक मैंने प्याज चॉप कर लिया है बारीक, और इसमें लहसुन भी चॉप किया है जो कि नीचे गया हुआ है। डालूंगी जो दिख जाएगा कि मैंने टमाटर ले लिया है, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी बारीक। और ये देखो, ये बैंगन मैंने काट के और सीटी लगवा ली थी इसकी कुकर में, और ऐसे निकाल के रख दिया ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकल गया है नीचे। और अभी इसको मैं निकाल के और ऐसे रखूँगी और इसको छील लूँगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। ये देखो इसका सारा पानी निकल गया है इसके नीचे, देखो कितनी सफाई से पूरा नहीं चढ़ गया। तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी जीरा, अजवाइन और एक चुटकी हींग। ये सब चीज़ें मैंने डाल दूंगी, और क्योंकि तेल गर्म है तो वो डालते साथ भुन जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। फिर इसमें डाल दिया मैंने ये देखो लहसुन और प्याज, और ये टमाटर को मैंने इस तरह से पकड़ लिया चमटे में, और इसको भी मैं इस तरह से भून लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा गर्म करना है ताकि ये छिलका उतर जाए इसका। तो क्योंकि मैंने फ़ोन को ट्राईपॉड पर नहीं लगाया हुआ है
इसलिए मैंने जुगाड़ करके यहीं रखा है। तो देखो ये इस तरह से आराम से उतर जाएगी, ये बिल्कुल पतली वाली लेयर, इसको हम उतार देंगे। क्या हो गया इसको, ये देखो इस तरह से ये पूरा उतार देंगे। और ये बीच का मैंने चाकू से काट के निकाल दिया एक साइड का, ये मैं वैसे नॉर्मली भी काट देती हूँ, इसका तो ये इतना बड़ा था। इसको मैं टमाटर को छील लूँगी अच्छे से। मैं हर सब्ज़ी में बस ये दो ही मसाले डालती हूँ, और नमक और लहसुन मिर्ची, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मैं इसलिए सब बता रही हूँ, आज कई साल पुरानी रिक्वेस्ट है ये किसी की, बैंगन के भरते की रेसिपी जो मैं बता ही नहीं पाई। तो ये ब्राउन होने के बाद प्याज, फिर ये डाल देंगे मसाले, आपको जो जो मसाले डालने हैं वो सब। इसके बाद जो भून के छील के टमाटर था वो मैंने इसमें लहसुन अदरक ये जो सॉरी लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है इसमें डाल दिया है। और हाँ, आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, अब तो ठंड है, तो इसको मैं अभी निकाल के और डाल दूँगी इस तरह से। ये बैंगन मैंने छील लिए हैं, और इनको आप चाहें तो चटनी की तरह पहले कूट सकते हैं, या फिर कढ़ाई में डाल के साथ मैशर से मैश कर लें। और एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करें, मेरी आवाज़ सुने बस। इसको इस तरह से मैश कर लें, और आपके पास मैशर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, ये चम्मच से भी हो जाएगा आराम से, करछी से जिससे आप सब्जी बना रहे हैं। ये देखो, क्योंकि ये बॉयल होने के बाद इसमें कोई ज़्यादा ताकत नहीं रहती है। ये देखो हो गया ना, मेरे पास मैशर है तो मैं इसे कर लेती हूँ। और जब इसको उबालने के लिए कुकर में रखें ना, तो पानी इतना ना डालें कि ये डूब जाए, थोड़ा सा पानी डालें, कुकर गीला हो जाए। जैसे मैंने ये एक बैंगन था तो उसमें आधा गिलास पानी डाला था, उस टाइम पर मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ, मुझे जब बनाने लगी तब याद आया। ये आपको यकीन नहीं होगा, जो भी कोई देखेंगे वो तो पता नहीं देख पाएगी कि नहीं, जिसने किया था रिक्वेस्ट। जब मैंने अपना खुद करके देखे चैनल स्टार्ट ही किया था ना, थोड़े से दिन हुए थे, मोनेटाइज भी नहीं आया था, उससे पहले की बात है ये, तब ये रिक्वेस्ट आई थी कि बैंगन के भरते की रेसिपी बताना। तो देखो बातों बातों में ये मैश हो गया है, और कितने सुंदर इसकी सूरत हो गई है। देखो मैं इसको अच्छे से मैश करके थोड़ी देर चला लेती हूँ। और हाँ, नमक भी मैंने जब मिर्ची और लहसुन कुटा ना उसी में डाल दिया था। उससे क्या फ़ायदा होता है, नमक डालने से मिर्ची और लहसुन का पेस्ट जल्दी बन जाता है, तो नमक उसी के अंदर डाल लेना चाहिए जब हम कूट के पेस्ट बनाएं। और अगर हम कूट के पेस्ट नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है थोड़ा कूट के। मैं साग में भी काट के भी डालती हूँ और फिर कूट के भी डालती हूँ ऊपर से, तो इसलिए मैंने कूट के डाल दिया ऊपर से। अभी देखो मैं तो ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, एक बार बना के देख लेना आप भी मेरे वाले सिंपल तरीके से, और फिर बताना कैसा लगा और कैसा बनाया मेरे तरीके से बैंगन का भरता। और अभी मैं अपनी कड़छी से इसको चला लूँगी थोड़ी देर। ये देखो बिल्कुल हलवे की तरह इसने कढ़ाई छोड़ दी है, ये बस थोड़ी सी देर इसमें खदका लगेगा और बैंगन का भरता तैयार। लो जी, ऊपर से मैंने थोड़ा डाल दिया है इसमें 2 चुटकी गरम मसाला, और ये हो गया है भरता तैयार चटपटा। आज बहुरानी को चटपटा खाना था तो मैंने इसमें पूरी मिर्ची डाल दी है एक, वैसे मैं छोटी सी डालती हूँ अगर मेरे हाथ लग जाए बनाने में, और आज तो सब्जी कम है और मिर्ची ज़्यादा, तो भाई मैं नहीं खाऊंगी आज, स्पष्ट सी बात है। ये देखो सिनोए भाग गया वापस, घूमी घूमी करने जा रहे थे। ओ देखो दादी पीछे पीछे, पोता आ गया कि भाग रहा है। ओ भाग गया भाई, आ गया वापिस।
अच्छा बुआ को लेके आया है, आ गए वापिस सनु, बुआ को लेने गए थे आप? अच्छा हाँ अच्छा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है आपको तो। ओहो जल्दी से भागो चलो मुड़ी है मुड़ी दोनों की छोड़ दी अब देखो ऐसे चलेगा उल्टा पुल्टा तो ये अंदर